भी युवा हैं वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। अभी तक जितने भी युवा जो आप देख लो, अभी जितने भी बच्चे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सब पैदल घूम रहे हैं, मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं कौन सा भी बनेगा, अगर इन पार्टियों से हट के बनेगा तो कुछ अलग होगा, बाकी अगर इन्हीं पार्टियों में से अगर बनता है तो कोई उद्धार की उम्मीद हो नहीं सकती। आगर मालवा जिले में दो विधानसभा सीट है, और अगर हम खासकर बात करें तो आगर जिला मुख्यालय की सीट, यहाँ पर रिजर्व सीट कही जाती है। यह सीट एससी की सीट है और यहाँ पर वर्षों से एससी के ही कैंडिडेट खड़े होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की यह मंशा थी कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, उनका फायदा हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर विधानसभा की सीट में 46,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो केवल मालवी समाज के हैं। उसके अलावा भी अन्य जो दलित समाज है या एससी एसटी के लोग हैं उनकी यहाँ पर संख्या अत्यधिक है। अब चूंकि यहाँ पर एससी की सीट रिजर्व है, तो क्या वास्तव में जो दलित समाज है उनका कोई उत्थान हुआ है? क्या दलित समाज के लोगों को इस सीट का रिजर्व होने का फायदा मिला है? इसी संबंध में हम आप बात करते हैं कुछ लोगों से। हम दलित बस्ती में हैं और यहाँ के जो ऐसे लोग हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में उनकी समाज को फायदा हुआ है या उनकी समाज ऊपर आई है। अभी आपकी जो आगर मालवा सीट है ये रिजर्व सीट है, वास्तव में क्या आगर विधानसभा में कुछ फायदे हुए हैं आपकी समाज को? लगभग अभी तक तो 15 वर्ष से तो यहाँ पर दलितों को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे वो गरीबी रेखा का कूपन हुआ या ये मुख्यमंत्री आवास योजना हुआ, इन पे भी सब पे रोक लगी हुई, मकान नहीं मिल पाए हैं। दूसरी बात है, आगर जिले का जो तहसीलदार कार्यालय है वो काफ़ी दूर पड़ता है, ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और रही बात कूपन नहीं मिल बन रहे हैं, गरीबी रेखा के कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार द्वारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और देखा जाए आगर मालवा सीट पे कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है, कुछ गांवों में दलितों को घोड़ी पर नहीं चलने दिया जाता है। अभी आपके सामने बहुत सारे मामले आए हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी सरकार दलितों का उत्पीड़न करती है वो काफ़ी नहीं, तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ अगर सीट रिजर्व भी है फिर भी दलितों को फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, दलितों को काफ़ी फायदा नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको पता है आगर मालवा रिजर्व सीट है, कितना उत्थान हुआ है आपके, महिलाओं का बात करें, बच्चों की एजुकेशन की बात करें, या आपके घर कितने मिले हैं, कितना उत्थान हुआ है समाज का? देखिए कि परिवर्तन संसार का नियम है, और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से जो भी सरकार आती है कहीं ना कहीं अच्छा करने का प्रयास करती है। उसी तारतम्य में 18 साल से भाजपा की सरकार है, उन्होंने भी गरीब बस्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को उठाने का कहीं भर संभव प्रयास किया, और बहुत सारे उदाहरण उन्होंने पेश किए भी हैं। जैसे अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने भी अभी ये जो है छात्रवृत्ति योजनाएं, उद्यमी जो प्रोत्साहन राशियां दी है, और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने बहुत सारी मतलब विदेश तक की जो छात्रवृत्ति का जो लाभ दिया, विदेश में पढ़ाने के लिए व्यवस्था की है। अब बात यह है कि आप कैसे उनका फायदा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग हैं, जो भाई है, वो थोड़े से जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। थोड़ा सा उनको जानकारी रखना चाहिए, और सरकार की जो योजना जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आजा वर्ग के लिए, आजा वर्ग उठाने के लिए, उनका फायदा लेना चाहिए। सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है जिससे उनका उत्थान निश्चित रूप से है। जैसे आप देख लीजिए कि बिजली, आजा वर्ग के जो लोग जितने भी कृषक हैं उनकी बिजली माफ है। नहीं तो अगर अपन आगर की बात, आगर की बात कर रहा हूं मैं, रिजर्व सीट, इससे कितना फायदा मिलता है समाज को पूरे आगर विधानसभा की बात? देखिए रिजर्व सीट तो मान लीजिए कि मान लो 230 है, उसमें 81 कुछ रिजर्व सीट होती है, तो यहाँ बाहुल्य आजा वर्ग का तो रिजर्व सीट है, और चूंकि उसी लिए यहाँ पर जो समाज को फायदा मिलना चाहिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं उनकी उदासीनता या जानकारी के अभाव में जो एक हम बोले कि 100% फायदा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 70% फायदा आजा वर्ग को मिल रहा है। आपके बच्चों की शिक्षा या कहें कि जो महिलाओं को फायदा मिल रहा है कि नहीं सरकार में, सरकार से मतलब आगर विधानसभा की बात करें? आगर विधानसभा में मतलब शिक्षा में देखो तो आजा वर्ग के लोग मतलब अभी युवा हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी तक जितने भी युवा जो आप देख लो, अभी जितने भी बच्चे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सब पैदल घूम रहे हैं, मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं भी एक चाय की दुकान पर काम कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? एससी के लोग ही कर रहे हैं। उसके बाद में मतलब यहाँ पर कोई आवास नहीं मिला है किसी को भी, और बहुत सारे काम है अभी देख ले थोड़ा से कि मतलब ये घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी मतलब ये लोग परेशान करते हैं, मतलब तो वहाँ पे प्रशासन भी कुरूतियां हैं बहुत,
प्रशासन भी मतलब हम लोगों को ज्यादा मतलब वो नहीं करती है। ये हाँ, अभी अभी जैसे अपनी सीट रिजर्व है, हाँ, तो रिजर्व सीट होने के कारण पूरा आगर विधानसभा में जितने भी दलित समाज या एससी एसटी या जो भी लोग हैं ये ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं क्या? नहीं उठ पा रहे हैं अभी। क्या कारण है इसके पीछे? क्या इसका कारण यही है ना कि ये मतलब दबाव की राजनीति होती है यहाँ पे। मतलब जो भी विधायक बनता है, जो भी कोई विधायक बनता है, तो उसको दबाव में रख के चलते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत बड़ी बात सामने आई है कि दलित वर्ग का यहाँ पर विधायक तो बन जाता है, मगर दूसरे समाज के लोग उन्हें दबा कर रखते हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसा वाकई होता होगा? जी बिल्कुल होता है। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है सबसे ज्यादा दलितों को दबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आगर में सीट रिजर्वेशन होने के बावजूद भी एससी एसटी के बच्चों को नियमित रूप से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। हॉस्टलों में देख लो, परिपूर्ण रूप से हॉस्टलों में सीटें खाली नहीं है। बच्चे अभी भी इधर उधर घूम रहे, भटक रहे हैं, मांग कर रहे हैं आगर कलेक्टर में भी कि बच्चों को सीट बढ़ाई दी जाए, और यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आप बताइए कितना फायदा मिल रहा है दलित को यहाँ सीट रिजर्व होके? कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फायदा क्या, दोनों ही सरकार है, कुछ भी बन ले भलाई, कौन सा ही विधायक बन जाए, पर रहना है तो दोनों को दबाव में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो भी चलती है तो अपने नेता दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी हो या कांग्रेस, रहेंगे तो इनके ही हाथ नीचे भलाई कौन सा भी काम कर ले। ये दलित के लिए के कोई सामान्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे जो पार्टी जो कहेगी वो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि विधायक चाहे वो कोई भी पार्टी का बने, ऐसा नेता बने जो दलितों की सुने? कौन सा भी बनेगा, अगर इन पार्टियों से हट के बनेगा तो कुछ अलग होगा, बाकी अगर इन्हीं पार्टियों में से अगर बनता है तो कोई उद्धार की उम्मीद बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है भैया, कुछ विकास हुआ है दलितों का? कुछ नहीं हुआ सर। महिलाओं को कुछ फायदे मिले हैं आपकी सीट से या आपके विधायक के बगैर? नहीं हुआ कोई कुछ। काका जी आपको पेंशन मिल रही है? मिल रही है। तो अभी विधायक यहाँ जो होते हैं कांग्रेस के हो या बीजेपी के, आप जाते हैं तो आपकी सुनते हैं? नहीं सुनते, थोड़ा दबाव है। किस तरह का दबाव? थोड़ा ऐसा दबाव है कि एक से एक दबाव ये। तो देखिए यहाँ रिजर्व सीट होने के बाद भी वास्तव में गरीबों तक, या कहें कि जो समाज यहाँ पर एससी एसटी का है, दलित समाज है, वहां तक फायदे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। एक चीज और बड़ी यहाँ पर सामने आई है कि विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी का हो मगर वो दबाव में काम करता है और इसी वजह से विकास नहीं हो पाते। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, एमपी तक।